वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम द डैश यानी कि हमें इनसे कुछ भी नहीं लेना चाहिए ऑप्शंस है फ्रेंड्स पेरेंट्स या स्ट्रेंजर्स तो राइट right आंसर क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी लोगों से हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए डैश इज़ यूज फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज यानी कि ये जो व्हीकल होता है उससे हम शॉर्ट डिस्टेंसेज ट्रेवल कर सकते हैं ऑप्शन है रिक्शा ट्रेन या एरोप्लन तो उसका राइट आंसर क्या है बच्चों रिक्शा वी शुड नेवर डैश ऑन द रोड यानी कि हमें रोड पर यह कभी नहीं करना चाहिए ऑप्शन है प्ले वॉक या ड्राइव तो उसका राइट right आंसर है प्ले यानि कि हमें रोड पर खेलना नहीं चाहिए वॉट डू द कलर्स इन द ट्रैफिक लाइट्स मीन टू यू यानी कि ट्रैफिक लाइट्स यानी कि स्टूडेंट्स आपके सामने थ्री कलर्स की लाइट ट्रैफिक लाइट्स दे रखी है अब आपको ये बताना है कि वो क्या करती हैं ठीक है थीके? यानी कि वो क्या उनका मतलब क्या है वो आपको क्या बताती हैं रेड मीन्स रेड लाइट मीन्स वॉट रेड लाइन रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप यानी कि यू हैव टू जस्ट स्टॉप येलो लाइट मीन्स येलो लाइट जब uh, जलती है तो उसका मतलब होता है वेट यानी कि आप वेट करिए ग्रीन लाइट मीन्स यानी कि जब ग्रीन लाइट uh, होती है तो इसका मतलब क्या होता है गो यानी कि आप अब जा सकते हैं मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी यानी कि कॉलम ए को आपको कॉलम बी के साथ मैच करना है फर्स्ट इज़ बस बस क्या करती है कैरिज पीपल ऑन रोड यानी कि लोगों को कैरी करती है रोड से यानी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे उनको जाना होता है वो वहाँ पहुँचाती है सेकेंड ऑप्शन है ट्रक ट्रक क्या करता है कैरीज़ गुड्स ऑन रोड यानी कि गुड्स जो होते हैं आपके जो सामान होते हैं उनको रोड पे कैरी करता है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे वो सामान जाना होता है उसको लेकर जाता है नेक्स्ट इज़ एरोप्लेन एरोप्लेन का क्या काम होता है इट मूव्स फास्ट यानी कि एरोप्लेन बहुत जल्दी आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है देन वी हैव अ जेब्रा लाइन जेब्रा लाइन्स का मतलब क्या होता है क्रॉस द रोड यानी कि जो वाइट और ब्लैक कलर की जो लाइन्स बनी होती है इट मीन्स जेब्रा लाइन्स यानी कि आप इस जेब्रा लाइन्स पर रोड क्रॉस कर सकते हैं एंड द लास्ट इज़ बोट बोट मीन्स मूव्ज ऑन वाटर बोट जो होती है बोट शिप ये जो भी होते हैं वो पानी में मूव करते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो